Chappelle Cut. तो गाइस आपको मैं ये बता दूं कि जैसे जो कोई प्लॉट बुकिंग वगैरह करता है अभी अपना मेहनत का पैसा अपना लगाता है तो नॉर्मली सब कुछ प्लॉट का आसपास का देख के ही लगाता है। तो मैं मेरे वीडियो में अगर आप जुड़े हैं, अगर मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आ रहे हैं तो आपको मैं सच्चाई बताना जरूरी है कि जो एरिया मैंने अभी आपको गेटर सोसाइटी अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये इस टाइप की रोड है जो देख रहे हैं कि सर्वज मंदिर मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं। अगर मैं जूम कर दूँ तो अब वहाँ पर आपको मंदिर नज़र आ रहा होगा। देखिए ये मंदिर आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, यहाँ से जो प्लॉट की हमारी जो साइट है वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे वो मंदिर है। और मंदिर के बीच में जो ये रास्ता जो जा रहा है बैक साइड आप मेरे देख सकते हैं, ये जो रास्ता और फाटक के बीच में जो दूरी आ रही है उधर से उधर का भी रास्ता है, फाटक के उस तरफ से भी रास्ता है और फाटक के इधर भी रास्ता है। तो ये जो रास्ता है 4 लाइन पास हो गया है, आने वाले टाइम पर ये नहर और ये जो रास्ता है पूरा आपका 4 लाइन बन जाएगा यहाँ से। तो आपकी जो प्लॉट की दूरी है और जो गाजीपुर की जो दूरी है मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे आपकी गाजीपुर का रोड मिल जाएगा। देखिए सामने से ट्रेन आ रही है, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो नॉर्मली बता दूँ तो यहाँ पे फाटक नहीं बना है अभी फिलहाल, तो नॉर्मली ऐसा छोड़ा हुआ है, आने वाले टाइम पे ये फाटक बनेगा वो तो गारंटी है, क्योंकि बनना है ही है। डेवलपमेंट जब होगा तो ये सब चीज़ डेवलपमेंट आगे होने वाली है। ट्रेन वगैरह देखिए यहाँ से ऐसे निकलती है, जो आप आवाज़ आ रही हो डिस्टर्ब हो रहा है ट्रेन ऐसे निकलती है, तो इस तरह का माफ़ी चाहिएगा, आवाज़ थोड़ा आएगी आपको डिस्टर्ब होगा, लेकिन ट्रेन ऐसे निकलती है। ये फाटक यहाँ पे जो रोड बना हुआ है वहाँ पे भी ऐसा रोड बना हुआ है, सारा रोड बना है। और आगे आपका यहाँ पे आगे आपका यहाँ पे प्लॉट होने वाला है जो आप देख सकते हैं आगे की तरफ, बैक साइड आप देखेंगे तो आपका वो सफ़ेद रंग की जो बाउंड्री आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी, छोटी छोटी बाउंड्री आपको सफ़ेद दिख रही है, वो आपका वहाँ पे आपका प्लॉट होने वाला है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये जो रोड है बहुत ही चौड़ा रोड 4 लाइन का रोड अभी बनने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं बाइक वगैरह जो देखी जा रहे हैं नीचे से निकल जाती है, तो ये तो बाइक का जाने का है, जहाँ साधन जिसका 4 व्हीलर का साधन हो तो नहीं आ सकता है, क्योंकि बाइक वगैरह देखिए ऐसे जैसे करके जैसे जा रहे हैं ऐसे करके निकलती है। तो ये एकदम नीरेस्ट पड़ता है, आने वाले टाइम पे जैसे आप आएंगे गांव के घूमते हुए आएंगे, अगर 4 व्हीलर लेके आएंगे तो भी पहुँच जाएंगे 2.5 किलोमीटर पे भी आपका गाजीपुर रोड से, अगर प्लॉट आना है हमारे साइड पे आना है तो वहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये कुछ हमारी जो प्लॉट की लूप हॉल है जो बहुत लोग कोई नहीं बताता है, बिकवाने जब बिकवाते हैं तो कोई सच्चाई नहीं बताता है, सब चीज़ जो बाद में देखी जाती है और बताई जाती है। तो मेरे देखिए आपको प्लॉट लेना है तो सच्ची चीज़, अगर प्लॉट आपको लेना है तो सब चीज़ क्लियर होना चाहिए, व्यू आपका क्लियर होना चाहिए, कि ना कि आपको साइड पे लेकर आए तो व्यू आपको ऐसा दिखाएं कि भैया आज तक रोड नहीं बनाया अब बाद में बनेगा इन फ्यूचर बनेगा, तो प्रॉब्लम आती है। तो हर चीज़ जो आपको लूप हॉल जो होता है हर चीज़ पहले बताया जाता है, तो नॉर्मली सबको अच्छा ही बताता है प्लॉट के बारे में, लूप हॉल बताता हूँ यहाँ पे। देखिए ये जो लूप हॉल दिख रहा है कि ये है, अगर आने टाइम पे आपको भी पता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट जब होगा ये रोड देखिए यहाँ पे वाली यहाँ पे ख़त्म हो रही है और वहाँ पे रोड वहाँ स्टार्ट हो रही है फाटक के यहाँ, तो आने वाले टाइम पे ये बनना है ज़रूरी है और निश्चय ही बनना ज़रूरी है और बनेगा। और ऐसे ऐसे 2 व्हीलर वगैरह जब आती नीचे से देखिए निकल रही है तो जाती हैं, तो नॉर्मली यहाँ से बुलेट वगैरह देखिए आप मेरे बैक साइड देखते हैं तो बुलेट वगैरह भी जगह निकल रही है, तो ऐसे जा सकते हैं इस तरह। ये एक टाइप का आपका इंडियन जुगाड़ रास्ता है, ऐसा जुगाड़ हर जगह बन जाता है, हर जगह सब लोगों का बनता है, सबको पता है। अगर रास्ता नहीं होता है तो हमारे इंडियन लोग हम लोग जैसे पीपल लोग अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं, इस तरह वाला जो रास्ता छोटा सा हर जगह आपको निकलने मिलता है, ऐसा रास्ता मिल जाता है, रास्ता ऐसे ही रास्ता आपको मिलता रहेगा हर जगह जहाँ पर भी ऐसा रास्ता हो, तो छोटा मोटा रास्ता ऐसे करके हम लोग निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको साइड पर चलते हैं और साइड पर दिखाते हैं किस टाइप का प्लॉट अभी आपको मिलने वाला है। रेट वहाँ पर अभी बढ़ गया है 1,20,000 और बढ़ा दिया गया है, आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके वो रेट बढ़ता जाएगा 20-25-21 ऐसे लाख रुपये हिस्सा आपका रेट बढ़ता जाएगा। तो जल्दी जल्दी आइए और नंबर तो शो हो रहा होगा, तो आपको चलिए जा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको पूरा होगा प्लॉट का भी दिखाते हैं व्यू, तो प्लॉट भी देखना जरूरी है ना आपको, तो वो दिखाते हैं आपको पहले। तो हम अभी अपने साइड पर आ गए हैं, साइड की तरफ आप देखेंगे तो बैक साइड से आप पीछे देखेंगे तो इस टाइप का आपका पुलिया नज़र आ रहा है जो नहर को क्रॉस करता है हमारी साइड तक जाता है, बहुत छोटा दिख रहा है। बट ये जो पुलिया आप देख रहे हैं ये 20 फीट का पुलिया ऑलरेडी पास हो गया है, और आप नेक्स्ट हफ्ते अगर आएंगे तो नेक्स्ट वीक से आई थिंक इसमें 5-6 दिन के बाद यहाँ पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको प्लॉट आने देखने के लिए रास्ता आगे वाली पुलिया से आपको आना होगा, वहाँ से पुलिया से आना होगा। तो ये 20 फीट का पुलिया जब बनेगा तो उसमें आपको आ नहीं सकते, थोड़ा वक्त लगेगा बनने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे साइड जा रहे हैं, ये गेट देख रहे हैं ये पूरा साइड है, 2 एंट्रेंस हैं इसका 20 फीट का, ये रास्ता जो जाएगा ये भी 20 फीट का रास्ता गया है। अगर आपको 4 व्हीलर से आना है तो 4 व्हीलर आपकी देखेंगे तो आपकी इधर आती है, जो 4 व्हीलर आती है ऐसी गाड़ियाँ जाती रहती हैं, देख रहे हैं गाड़ी जा रही है, तो इस टाइप की गाड़ियाँ वगैरह आपको आना है कि आराम से बैक होकर आती है यहाँ तक रुकती हैं, बट आपका साइड विजिट हो जाता है।
अगर आप गाजीपुर से आ रहे हैं तो भी ये रास्ता आपके गाँव से आ सकता है, आराम से फोर व्हीलर से आ सकते हैं। इन द फ्यूचर के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपका होना बाकी है, ये सब कोई आपको प्लॉट लेते वक्त अगर समझाता नहीं है ना बताता है इसके बारे में, तो ये सब चीज़ें मैं आपको अपने चैनल बना रहा हूँ बता रहा हूँ, क्योंकि घर आपका चैनल आपको चाहता नहीं है कि कोई विजिट करे तो उसको ये सब चीज़ बाद में पता चले, तो मैं चाह रहा हूँ कि विजिट करे तो आपको ये सब चीज़ समझ के आना है और डेवलपमेंट के हिसाब से आपको देखते हुए आना है कि आपका ये जो प्लॉट किस तरफ पड़ रहा है, किस लोकेलिटी में पड़ रहा है, किस लोकेलिटी में आपका ये प्लॉट आ रहा है, क्या आपका ये सब होने वाला है, क्या आके इसका फ्यूचर होने वाला है। और ये गेटेड कॉलोनी, इस टाइप का गेटेड कॉलोनी आपको यहाँ पे इधर सारनाथ के आसपास आउटर में ये आपको नहीं मिलने वाला है इतने रेट पे, ठीक है। तो इसमें आपको पार्क 9200 स्क्वायर फीट का आपको पार्क पूरा और स्विमिंग पूल और पार्क मिलेगा, उसको आपको मंदिर भी अलग से आपको मंदिर भी मिलेगा वहाँ पे। तो एक आपकी दो लोकेलिटी में जितनी भी है वहाँ पे आपको 20 फीट की रोड, आपका दो एंट्रेंस में 20 फीट की रोड और इंटरलॉकिंग जितने भी रोड हैं जो कनेक्टिविटी रोड है 18 फीट की आपको रोड मिलने वाली है। तो आपको चलिए थोड़ी देर में आपको साइड लेके चलेंगे, अभी साइड का विजिट कराते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं अभी खड़ा हूँ सूर्या विहार कॉलोनी और खरगीपुर में आता है, और आप देख सकते हैं यह जो 20 फीट का रास्ता है यहाँ सामने देख सकते हैं, इस तरफ से एंट्रेंस इधर से भी है, गाँव का एंट्रेंस आपका इधर से भी कर सकते हैं, और बैक साइड से मैं बैक कैमरा करके दिखा दूं तो आपको किड्जी पब्लिक स्कूल आपको वो नज़र आ रहा है, किड्जी पब्लिक स्कूल नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हाई डिग्री कॉलेज, यहाँ पे आपको कॉलेज भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो कॉलेज है मैं बता देता हूँ पूरा कॉलेज के हिसाब से बता देता हूँ कौन सा कॉलेज आपको नज़र पड़ा आ रहा है नियर, ये भगवती धाम इंटर कॉलेज है करगीपुर का प्राइमरी स्कूल है, किड्जी पब्लिक स्कूल और CBSE स्टैंडर्ड्स का आपका CBSE स्कूल है, और ये जो आपका कॉलेज आ रहा है सामने जो कॉलेज आ रहा है नियर भगवती धाम कॉलेज धाम इंटर कॉलेज है। सो आपको इस तरफ बड़ी वाली बिल्डिंग आपको यहाँ पे इसके बैक साइड ऑफिस की तरफ आपको ये नज़र आ रही है, तो आपको आपको वो लोकेशन पे भी आपको ये मिल जाएगा। एंट्रेंस करते हुए सामने जरा आएंगे तो आपको ये आपका एंट्रेंस जो है 20 फीट का रोड आपको नज़र आएगा, प्लस साइड में जितने भी प्लॉट्स हैं इसके नज़दीक में आपको ग्रीनरी प्लांट्स ऑलरेडी यहाँ पे देखिए अशोक प्लांट वगैरह सब यहाँ पे सारे साइटों पे आपके अलग अलग तरीके में से लगाया गया है, पूरी ग्रीनरी प्लांट्स की गई है। और ये जो लोकल से आपको ऑफिस आपको छोटा सा वहाँ दिख जाएगा जहाँ पे ऑफिस है, वहाँ से भी एंट्रेंस है, गेट देखें तो वहाँ का भी 20 फीट का रोड है, और 20 फीट की रोड यहाँ पे भी आपकी 20 फीट की रोड है। तो यहाँ पे आपका प्लॉटिंग होने वाला है, इंटरलॉकिंग जितने भी रोड्स हैं सब 18 फीट की रोड मिल रही हैं आपको अंदर में, और यहाँ पे जो आप झंडा जो देख रहे हैं जिस तरफ से पूरा एरिया जो गड्ढा खोदा गया है ये 9000 स्क्वायर फीट का आपका पार्क एरिया होने वाला है, पूरा का पूरा 9000 स्क्वायर फीट का आपका 9000 समथिंग उंच और भी है ज़्यादा है, लेकिन 9000 से ऊपर का ही स्क्वायर फीट का ये प्लॉट आपका होने वाला है। ये जो प्लॉट होगा ये एक टाइप का आपका स्विमिंग पूल पार्क इसमें बनेगा, तो ये पूरा आप देख सकते हैं इतना गड्ढा किया हुआ, यहाँ मिट्टी देख रहे हैं, ये एरिया पूरा आपका यहाँ पे आपका स्विमिंग पूल पार्क रहेगा। और सामने की तरफ आप चलेंगे 20 फीट की रोड आपकी आगे तक एंट्रेंस गई है, वहाँ पे जो इसमें डेप्थ आपको 40-45 और जो छोटे प्लॉट जिसका बजट थोड़ा कम रहता है जिसको आधा हिस्सा का रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे डेप्थ उनको 36-38 के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जितने प्लॉट्स हैं कुछ ही प्लॉट्स रह गए हैं और सारे प्लॉट्स बुक हो गए हैं, देख सकते हैं सामने की तरफ भी आपको यहाँ बाउंड्री दिखेगी, ये वाला प्लॉट अभी बचा है, यहाँ पे उत्तर फेसिंग का और नॉर्थ एंड साउथ सारे फेसिंग के आपको प्लॉट मिल जाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम प्लॉट जो इनके हैं वो ईस्ट और वेस्ट एंड उत्तर के फेसिंग में आपको प्लॉट मिलने वाला है। आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है आपको प्लॉट है ये एरिया, ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये जो मुंह ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्री हो गया है, तो यहाँ पे इन लोगों ने ईट रखा हुआ है तो यहाँ तक आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ एरिया जो वहाँ पे जो आपको दिखा ड्रम वाला एरिया जो दिख रहा है वो उत्तर फेसिंग का प्लॉट है जिसमें आपको मिल सकता है, और यहाँ पे पश्चिम और उत्तर की प्लॉटिंग एरिया जो दिख रहा है सामने की तरफ आप चलेंगे और आगे की तरफ आपको मैं दिखा दूँ तो ये जो एरिया है वो भी आपका आधा हिस्सा यहाँ से बुक हो चुका है, देख सकते हैं पूरा प्लॉटिंग ये देख सकते हैं आपका, ये भी पूरा आपका यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट का ये बुकिंग हो चुका है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी जो चल रहा हूँ रोड 20 फीट की रोड पे चल रहा हूँ मैं, और सामने आप देखेंगे तो ये जो प्लॉट है आधे हिस्से का प्लॉट आपका यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह का आपका आधा हिस्से का प्लॉट आपको मिलने वाला है, और 36 फीट इसकी गहराई है, 30 स्क्वायर फीट का आधा आपका आधा हिस्सा ये जमीन आपका इस तरह आपका मिलने वाला है। सामने आप इतना फ्रंट आप देख सकते हैं, इस टाइप का आपको फ्रंट मिल रहा है इस जमीन में, क्योंकि ये रीजनेबल रेट पे है, ये रेट पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा आराम से, और नॉर्मली यहाँ का जो हिस्सा का जो रेट चल रहा है जो कम जो है रिक्वायरमेंट है जो डिमांडिंग है यहाँ पे 19 लाख रुपये हिस्सा का डिमांडिंग अभी चल रहा है, आने वाले टाइम पे ये भी रेट और बढ़ता जाएगा क्योंकि ज़मीन का रेट आपको सबको पता है कि रेट अभी डाउन नहीं होता,
हर टाइम रेट अपना अपडेट बढ़ता रहता है। और ये लोकेलिटी आप देख रहे हैं, बैक साइड में आपको पूरा पेड़ और स्कूल वगैरह आपको दिख रहा है। यहाँ से आपका बनारस कैंट स्टेशन भी आप देखेंगे तो यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पे आपका कैंट पड़ रहा है। सारनाथ वगैरह आपका देखिए 7 किलोमीटर पे आराम से, यहाँ से 7.5 या 7 किलोमीटर की रेंज पे आपका सारनाथ पड़ रहा है। चंदा चौराहा वगैरह यहाँ से मात्र 4-4.5 किलोमीटर पर चंदा चौराहा है। और ये जो गाजीपुर रोड है, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको गाजीपुर रोड मिल रहा है। इन द फ्यूचर कनेक्टिविटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 किलोमीटर मात्र। और भव्य मंदिर आज जो बैक साइड में ड्रोन में आपको मैं मंदिर दिखाया है, तो आप पीछे भी देख सकते हैं, एक और मंदिर पीछे भी आपको यहाँ कॉलोनी में मिलेगा, पीछे भी है। इस कॉलोनी में भी आपको कोने बैक साइड में आपको यहाँ पे वहाँ पे कोने में आपको एक मंदिर आपको बन के मिलेगा यहाँ पे भी। तो ये जो एरिया है, इस टाइप की लोकेलिटी आपको जो मिल रही है इस रेट में, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। क्योंकि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके आधा हिस्सा या एक हिस्सा जिसका भी है, मिडिल क्लास फैमिली है या बड़ी फैमिली है, जैसे जो भी है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर ज़मीन ले सकते हैं। और पैच जो हैं यहाँ पर बहुत कम बचे हैं। ये जो पैच आप देख रहे हैं ये फेसिंग टू ईस्ट है, इतना जो पैच जो देख रहे हैं ये एरिया जो उन लोगों के लिए है जिनका बजट थोड़ा कम है, 8 लाख या 9 लाख का भी बजट लेके चलते हैं तो भी आपको यहाँ पे ज़मीन आपको यहाँ मिल जाएगी, आधा हिस्सा तक ज़मीन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस लोकेलिटी पे जहाँ मिलेगी आधा हिस्सा ज़मीन, कहाँ मिलेगी, कहाँ पे, 18 फिट की रोड पे और ये 20 फिट की मेन एंट्रेंस रोड पे भी आपको ज़मीन मिल जाएगी। और इस टाइप की आने वाले फ्यूचर में आपका पार्क, स्विमिंग पूल, ये कम्युनिटी, एक तो गेटर सोसाइटी है, तो ये सब चीज़ आपको नहीं मिलता हर जगह, बनारस में बहुत कम मिलता है, ऐसे जगहों पे लोकेशन पे नहीं मिलता। लेकिन बट ये जो अब जो एरिया है और रेट इसके हिसाब से थोड़ा आपको महंगा लग रहा होगा, जो भी है आपको महंगा लग रहा होगा, लेकिन ज़मीन का रेट कभी महंगा नहीं होता, इससे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो नॉर्मली आप आए अपना साइट, अपना जो भी मेरा लूप होल था, जो भी मेरा यहाँ का पॉइंट था इस ज़मीन का, मैंने आपको बताया, ड्रोन शॉट से पूरा दिखाया आपको, मैंने यहाँ सब कुछ चीज़ बता दी, यहाँ पे आसपास क्या क्या चीज़ है और क्या क्या लोकेलिटी है और क्या क्या आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्या सुविधा मिलने वाली है इसमें, स्ट्रीट लाइट, रोड ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ, सीवर की व्यवस्था सब कुछ करके दिया जाएगा, सब कुछ यहाँ पे। आपका कम बजट भी है, 9 लाख रुपये भी है आपके पास, तो भी आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा। अंडर 10 लाख मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मात्र अंडर 10 लाख का भी आपको यहाँ पे प्लॉट मिलने वाला है। तो आप आइए, अंडर 10 लाख का भी आप यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं, 9 लाख का भी प्लॉट ले सकते हैं और ऐसे ही कुछ भी प्लॉट आप ले सकते हैं। और 19 लाख लोग जो रेट लगाया है वो नेगोशिएबल भी है, ऐसा भी नहीं है कि फिक्स है, लेकिन बट हमारा रेट जो है 19 लाख हम बोलते हैं तो 19 लाख ही डिमांड रहेगा। वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 19 लाख ही डिमांड रहेगा। और आप देख सकते हैं इस टाइप के लोकेशन में आपको गेटेड सोसाइटी में इस टाइप का प्लॉट आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत लोगों को दूर लगता है, जो भी है दूर तो है ही है, लेकिन बट दूर की जब छोड़िए, आसपास की आप गूगल लोकेशन से इसका लोकेशन देखेंगे, आपको ये जो रेट जो मिल रहा है गेटेड सोसाइटी में जो मिल रहा है, ऐसा रेट आपको इस लोकेशन पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए, फ्लैश हो रहा है, नंबर सामने दिख रहा है, नंबर पे कॉल करिए और साइट विजिट करिए। जो भी कुछ करना है, अगर लोन लेना है, लोन की फैसिलिटीज़ भी हम दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको 8 लाख 9 लाख 9.5 लाख 9 लाख का भी आपको बजट पे लोन लेना है तो भी हम आपको करा के देंगे, तो लोन भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे ही मैं अपने जेन्युइन प्लॉट्स वगैरह, फ्लैट्स वगैरह मैं लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। देखिए ऐसा है, मेहनत का पैसा, आप लोगों का पैसा, हमारा पैसा, मेहनत का पैसा होता है, ठीक है। तो मेहनत का पैसा कहीं अच्छे जगह लगे तो मैं भी चाहता हूँ कि कहीं अच्छे जगह लगे। तो कोई भी चैनल देखिए आपको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट रियल स्टेट का अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी जेन्युइन रेट पे, तो ये चैनल आप देख सकते हैं, घर आपका चैनल, क्योंकि घर आपका चैनल लगता है एकदम जेन्युइन रेट। और भी आपको पूरा लूप हॉल बताया है मैंने यहाँ की, जो ज़मीन का क्या क्या लूप हॉल है, आने वाले टाइम पे अभी डेवलपमेंट है उस पर, लेकिन आप जगह समझदार हैं तो समझदार सब कुछ है, लेकिन जिनको नहीं समझा सकते तो नहीं समझा सकते, लेकिन आप लोग समझदार हैं, गूगल पॉइंट पे इसका पॉइंट मारिए और आसपास का लोकेशन देखिए, मंदिर से कितना दूर है, गाजीपुर रोड से कितना दूर आ रहा है, ये चीज़ समझिए, तो आप जानेंगे ये प्लॉट का क्या वैल्यू आने वाला है आने वाले 3-2 सालों में, ठीक है। आने वाले 3-2 सालों में ये ज़मीन आपको उस रेट पे भी नहीं मिलने वाली, ये ज़मीन उस पे 3 गुना बढ़ जाएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ 3 गुना बढ़ जाएगी, जिस तरह का ये लोकेशन है, 4 लाइन जो पास हुआ है और जो आराम से जो लोकेशन जो आप यहाँ से आ रहे हैं, इस टाइप की आपको गेटेड सोसाइटी नहीं मिल पाएगी। प्लॉट भले सस्ते मिल जाएंगे लेकिन उसका प्लॉट का वैल्यू ये नहीं है कि अगर प्लॉट लेके घर बनाए तो आगे आदमी सुरक्षित है कि नहीं है, कि कहाँ क्या है,
बच्चे अगर खेल रहा है तो कौन से कॉलोनी में खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, बहुत कुछ चीज़ें देखना पड़ता है भविष्य के बारे में। क्योंकि प्लॉट वगैरह जब लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, तो भाई सोच समझ के लिया जाता है, भविष्य के लिए देख के लिया जाता है कि भाई हम कौन सी गेटेड कॉलोनी में रहेंगे तो सिक्योर रहेंगे, हमारे बच्चे जो खेलेंगे पार्क में खेलेंगे हमारे नज़रों के सामने रहेंगे, बहुत कुछ चीज़ें देखा जाता है। क्योंकि बच्चे के खेलना फ्यूचर करना, देखिए बनारस में ज़मीन तो मिल जाती है सस्ते, जो भी है दूर में भी मिल जाती है, लेकिन बट इस टाइप का लोकेलिटी और गेटेड सोसाइटी का जो माहौल होता है बच्चे को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मैं भी नॉर्मली मैं बता दूँ कि जैसे मैं पहाड़िया में रह रहा हूँ, तो पहाड़िया में रहता हूँ तो मेरा भी घर पहाड़िया में बना हुआ है, तो मैं भी सोचूंगी कहीं ना कहीं मेरा घर भी गेटेड कॉलोनी में अंदर होता तो मेरे बच्चे के लिए यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ता पार्क के लिए। ठीक है, मंदिर तो है बहुत है, लेकिन एक बच्चे के लिए जो पार्क वगैरह जो फ्यूचर देखा जाता है वो सब चीज़ थोड़ा हमारे बनारस में कम रहता है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है पार्क में। देखिए सिंगरा में बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग तो किया जाता है, मॉर्निंग के लिए किया जाता है, लेकिन बहुत सारे पार्क ऐसे हैं कि जो पेड पार्क होते हैं जिसमें पैसा देके जाया जाता है कि बच्चे का इंजॉयमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ देखिए 900 स्क्वायर फीट में आपका पार्क और स्विमिंग पूल भी मिलेगा इस एरिया में, और मंदिर भी मिलाएगा आपको, छोटी सी सोसाइटी आपकी है और दो टाइप का एंट्रेंस है, 20 फीट की रोड के एंट्रेंस में आपको ये चीज़ मिल रहा है और मात्र 19 लाख के विषय में मिल रहा है, वो भी नेगोशिएबल प्राइस है। और आप 9 लाख रुपये भी लेकर आएंगे तो भी आपको यहाँ पर प्लॉट मिल जाएगा। ऐसा भी देखिए कौन कम ज़मीन दिखाता है इस चैनल पे, देखिए ऐसे चैनल पे मैं आपको जेन्युइन रेट पे दिखाता हूँ। और आइए और प्लॉट विज़िट करिए और देखिए, बहुत अच्छा प्लॉट है, आपको भी सुंदर लगेगा, आने वाले टाइम पे ये बहुत ही अच्छा आपको पैसा देके जाएगा प्लॉट, मैं बता रहा हूँ। आप भी लास्ट टाइम अगर ये चैनल देख रहे हैं या 3-2 महीने बाद देखेंगे, जैसे भी देखेंगे इसका प्राइस आपको हर टाइम बढ़ता हुई नज़र आएगा, बढ़ता हुई नज़र आएगा। तो जल्दी आइए, फ्लैश किया हुआ नंबर दिख रहा है आपको, जल्दी से जल्दी आइए और देखिए, इस वीडियो को देखिए और इस पर कॉल करिए और अपना साइट विजिट करिए, और आपके मन को तसल्ली के लिए करना है तो आप ये वीडियो देखिए। क्योंकि देखिए आपको सेटिस्फेक्शन होगा तो हमें सेटिस्फेक्शन होगा, पहले अपना सेटिस्फेक्शन दीजिए, आसपास क्या डेवलपमेंट होने वाला है, क्या क्या चीज़ आने वाली है, सारनाथ कितना दूर है आपका, रेंट कैंट स्टेशन कितना दूर है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। क्योंकि आसपास की लोकेलिटी अगर सामने सामने रहे तो प्लॉट में लेने की जब अच्छा लगता है, लोकेशन अच्छा लगता है। देखिए आप देखिए, ज़्यादा देर काफ़ी देर बड़ा वीडियो हो गया होगा, माफ़ करिएगा, तो हम मेरा तो बोलने का काम है, बताने का काम है, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, बकता रहता हूँ। देखिए आपको समझना है, लेना है तो इस पर कॉल करिए और अपना साइट विजिट करिए। बहुत ही बहुत लोग कस्टमर ऐसे भी हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, लेकिन बट मैं फ़ोन उठाता हूँ लेकिन बात करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करने लग जाते हैं फ़ोन पे कि कितने ये है वो है, रजिस्ट्री क्या होगी क्या नहीं होगी, बहुत चीज़ ऐसा चीज़ पूछने लग जाते हैं कि पहले विजिट तो करिए, साइट तो देखिए, जब पसंद आएगा तब उसकी रजिस्ट्री की बात करिएगा, पूरी पूरा रेट वेट सब ऐसा फ़ोन पे डिटेल ले लेते हैं कि मैं इतना बिजी रहता हूँ कि जो क्लाइंट हमारा वेट कर रहा है स्टेशन पे या कहीं भी वेट कर रहा हो, उनको विजिट कराने के टाइम पे भी वो फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन रख देते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। इंपॉर्टेंस सबका इंपॉर्टेंस है, मेरे नंबर फ़ोन जिसका आता है सबका इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि सबको इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन आप वो बात समझिए कि फ़ोन आपका आ रहा है और वहाँ पे वो वेट कर रहा है तो उनके लिए मैं गाड़ी चला के बात भी कर रहा हूँ तो भी उनको डिस्टर्बेंस लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि भैया फ़ोन हमारे लिए, भाई गाड़ी रोक के बात कर लीजिए, उतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जो बात कर रहा हूँ आपको स्पर्श नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उनको टाइम निकालना चाहिए कि भाई शाम के टाइम फ़ोन करिए चाहे कुछ भी करिए, लेकिन वो गुस्से से जो फ़ोन रखना वो हमें अच्छा नहीं लगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं लेना है कोई बात नहीं, ऐसे बहुत जगह बहुत यूट्यूब वाले चैनल हैं, आप वहाँ पर आपको आप जाइए उनका चैनल देखिए और उनका से आप प्लॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, लेकिन बट मेरे लिए जो क्लाइंट जो वेट कर रहे हैं, हमारा जो वेट कर रहे हैं, उनको साइट विजिट कराना मेरा काम है। फ़ोन तो मैं उठा ही ले रहा हूँ, बात तो कर ही रहा था, लेकिन बट उनको ऐसा लगा, ख़राब लगा तो अलग बात है, वो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बट मैं तो ख़राब नहीं मानूंगा, लेकिन क्योंकि उनको शाम के टाइम मैंने फ़ोन भी किया लेकिन फ़ोन पिकअप नहीं किया वो अलग बात है। चलिए हमारा काम तो फ़ोन करना, मैंने बैक कॉल किया फ्री होके, लेकिन बट उन्होंने उठाया नहीं। ठीक है, तो थोड़ी माफ़ करिएगा, ऐसे नंबर आप प्लॉट करते हैं, ऐसे ऐसे मैं प्लॉट वगैरह सिप्लेंस वगैरह मैं लाता रहता हूं अपने चैनल पे, देखते रहिए चैनल और बहुत ही प्यार दिखा रहे हैं हम लोग मेरे यूट्यूब पे, बहुत ही बढ़िया ऐसे वीडियोज़ को जैसे जिनको रिक्वायरमेंट है प्लॉट का रिक्वायरमेंट है उनको सेंड करिए, ये चीज़ शेयर करिए वीडियोस। हाँ, आप लाइक तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लाइक मत करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो शेयर करिए उनके लिए हो जाए जिनको प्लॉट का रिक्वायरमेंट है और वो जेन्युइन रेट पे जो देख रहे हैं जिनको सिर्फ चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों का बजट नहीं रहता उतना, मिडिल क्लास फैमिली और उनसे नीचे जो रहते हैं उनका बजट भी कम रहता है, वो लोन लेने के चक्कर में रहता है। तो ये जो चीज़ है बहुत ही अच्छी जगह लोकेशन पे है ये प्लॉट, आइए और विजिट करिए, ये फ्लैश वाला नंबर जल्दी से कॉल करिए। ठीक है, आप फिर अगले मिलते हैं अगली वीडियो में आपको, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। Like a hell.
Hellcat.